दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपका जस्ट वैक सीरीज के एक और स्पेशल एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं नीरज चोपड़ा के बारे में, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतकर हमारे देश का नाम रोशन किया है। दोस्तों, नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1997 को हरियाणा के पानीपत में हुआ था। नीरज चोपड़ा के पिता का नाम सतीश कुमार है और उनकी माता का नाम सरोज देवी है। इसके अलावा नीरज चोपड़ा की दो बहनें भी हैं। नीरज चोपड़ा के पिता पानीपत के एक छोटे से गांव खंडरा के किसान हैं, जबकि उनकी मम्मी एक हाउसवाइफ है। अब बात करें नीरज चोपड़ा के करियर के बारे में, तो अपने परिवार के दुलारे होने के कारण बचपन में नीरज चोपड़ा का वज़न काफ़ी बढ़ गया था। ऐसे में वज़न कम करने के लिए नीरज चोपड़ा कसरत करने लगे। इसके अलावा वजन कम करने के लिए उनका खेलों की तरफ भी रुझान बढ़ने लगा। नीरज चोपड़ा को शुरुआत में कबड्डी का बहुत शौक था। उनके गांव में कोई स्टेडियम तो नहीं था, ऐसे में नीरज चोपड़ा प्रैक्टिस करने के लिए गांव से 16-17 किलोमीटर दूर पानीपत के शिवाजी नगर स्टेडियम में जाने लगे। शिवाजी नगर स्टेडियम में नीरज चोपड़ा का एक जयवीर नाम का दोस्त था, जो जैवलिन थ्रो की प्रैक्टिस करने के लिए आता था। एक दिन ऐसे खेल खेल में जयवीर ने नीरज चोपड़ा से भाला फेंकने के लिए कहा। जब नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका तो जयवीर उनसे काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने नीरज चोपड़ा को भाला फेंकने की प्रैक्टिस करने की सलाह दी। नीरज चोपड़ा को अपने दोस्त की बात ठीक लगी, लेकिन उनके सामने समस्या यह थी कि उनका वजन 80 किलो था। ऐसे में नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में अपना हाथ आजमाने के लिए महज 2 महीने में 20 किलो वजन कम कर लिया। वजन कम करने के बाद नीरज चोपड़ा के सामने समस्या थी जैवलिन खरीदने की। दरअसल उस समय एक अच्छी क्वालिटी की जैवलिन 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा की आती थी, जो कि उनके परिवार के लिए खरीदना मुश्किल था। ऐसे में नीरज चोपड़ा ने 6-7 हज़ार रुपये की एक जैवलिन खरीदी और उससे प्रैक्टिस करने लगे। इसके बाद नीरज चोपड़ा ने दिन में 7-7 घंटे तक जैवलिन थ्रो की प्रैक्टिस की। इस तरह नीरज चोपड़ा एक बेहतरीन जैवलिन थ्रो खिलाड़ी बने। दोस्तों, अब बात करते हैं नीरज चोपड़ा के अचीवमेंट्स के बारे में। नीरज चोपड़ा ने सबसे पहले साल 2012 में लखनऊ में हुई अंडर 16 नेशनल जूनियर चैंपियनशिप में 68.46 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता। साल 2013 में नीरज चोपड़ा नेशनल यूथ चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर रहे और IAAF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में अपना स्थान पक्का किया। साल 2015 में नीरज चोपड़ा ने इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में 81.04 मीटर दूरी पर भाला फेंककर एज ग्रुप का रिकॉर्ड बनाया। इसके बाद साल 2016 में नीरज चोपड़ा ने जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 86.48 मीटर भाला फेंककर विश्व रिकॉर्ड बनाया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। साल 2016 में हुए दक्षिण एशियाई खेलों में नीरज चोपड़ा ने 82.23 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। नीरज ने 85.23 मीटर का भाला फेंककर 2017 के एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। साल 2018 में हुए कॉमनवेल्थ खेलों में नीरज चोपड़ा ने 86.47 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता। साल 2018 में ही जकार्ता एशियन गेम्स में नीरज चोपड़ा ने 88.06 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। नीरज चोपड़ा एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय जैवलिन थ्रोअर हैं। इसके अलावा मिल्खा सिंह के बाद नीरज चोपड़ा दूसरे ऐसे भारतीय हैं जिनके एक ही साल में कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता हो। मिल्खा सिंह ने यह कारनामा साल 1958 में किया था। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में अपने पूल ए में अपने पहले ही प्रयास में 86.65 मीटर का थ्रो फेंक कर फाइनल में जगह बनाई थी। इसके बाद फाइनल में भी 87.58 मीटर का बेहतरीन थ्रो फेंक कर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। नीरज चोपड़ा को मिले इनाम। तो गाइज, अब हम बात करने वाले हैं जितने भी इनाम आज तक नीरज चोपड़ा को मिले हैं उसके बारे में। ओलंपिक में गोल्ड जीतने के बाद नीरज चोपड़ा पर इनामों की बारिश ही हो गई है। हरियाणा सरकार ने नीरज चोपड़ा को 6 करोड़ रुपए, क्लास 1 जॉब, रियायती प्लॉट देने की घोषणा की। रेलवे ने नीरज चोपड़ा को 3 करोड़ रुपए इनाम में देने की बात कही है। पंजाब सरकार ने नीरज चोपड़ा को 2 करोड़ रुपए इनाम देने की घोषणा की थी। मणिपुर सरकार ने नीरज चोपड़ा को 1 करोड़ रुपए इनाम देने की घोषणा की थी। BCCI ने नीरज चोपड़ा को 1 करोड़ रुपए इनाम देने की घोषणा की थी। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने
नीरज चोपड़ा को 75 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की थी। नीरज चोपड़ा के बारे में कुछ अन्य जानकारियाँ। नीरज चोपड़ा भारतीय सेना में नायब सूबेदार के पद में तैनात हैं। जूनियर विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना में नायब सूबेदार नियुक्त किया गया। अपने शानदार खेल की बदौलत ही नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया। नीरज चोपड़ा को अर्जुन पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया जा चुका है। अगर नीरज चोपड़ा की नेटवर्थ की बात करें तो एक मीडिया वेबसाइट के अनुसार उनकी संपत्ति $1 मिलियन से $5 मिलियन लगभग होने का अनुमान है। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।